हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास किचन। आज मैं आपको ट्राइकलर स्टफ बास्केट बनाना बता रही हूँ। हम अपने देश के फ्लैग को ट्राइकलर बोलते हैं, उसी के नाम पर मैंने इस डिश का नाम ट्राइकलर स्टफ बास्केट रखा है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें पोटैटोज चाहिए, ग्रेट करने के लिए कद्दूकस चाहिए, साथ में यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है और नाइफ एंड पिलर। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आलू को अच्छे से पील कर लेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं और आलू को हम पील करेंगे। देखिए, हमने सभी पोटैटोज को अभी अच्छे से पील कर लिए। अब हम ये कद्दूकस लेंगे। इसमें एक ट्रिक है कि हम जब आलू को ग्रेट करेंगे तो हमें एक ही फॉर्म में ग्रेट करना है, ऐसे। ये नहीं कि हम उसको ऐसे ऐसे, हमें हम ऐसे इस टाइप से ही करना है। नीचे हमने ऐसे कद्दूकस करते हुए नीचे की तरफ, इससे क्या होगा, जो हमारा लच्छा बनेगा वो ये देखिए ऐसे बड़ा बड़ा बनेगा, इसलिए हमें एक ही फॉर्म में कद्दूकस करना है। ये देखिए, हमने सभी आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया। अभी हमें क्या करना है कि हमें ये वाटर लेना है और इस वाटर में जो हमने ग्रेट किया हुआ आलू है वो हमें इसमें ऐड करना है, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है तो हमें वो स्टार्च नहीं चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस आलू को हमें 2-3 पानी में अच्छे से वॉश करना है, जिससे कि जो इसका स्टार्च होता है, जब तक इस पानी में वाइटनेस आती है, जब आप आलू डालते हो पानी में तो उस पानी में थोड़ा थोड़ा सा वाइट सा हो जाता है। देखिए, जैसे ये पानी है इसमें ये देखिए ये ऐसे वाइट सा हो रहा है। तो हमें ये चीज़ जब तक आ रही है तब तक हमें आलू को वॉश करना है। मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने से क्या हुआ, जो आलू का स्टार्च होता है, जो आलू में जो स्टार्च रहता है वो निकल जाता है। तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अभी देखिए पानी बिल्कुल क्लीन है, इसमें बिल्कुल भी जो आलू का स्टार्च जब होता है तो पानी हल्का सा क्रीमिश लगने लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरा बोल लेंगे, उसमें छलनी रख के उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए, हमने छलनी में आलू को डाला और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो सब निकल जाएगा। अभी हम इसको 1-2 मिनट ऐसे ही रखेंगे, फिर हम फ्रेश क्लॉथ लेंगे, उस पर हम ये जो आलू है उसको अच्छे से ड्राई करेंगे। ये देखिए, ये आलू हमारे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। ये देखिए, इसमें बिल्कुल ही वाटर नहीं है। इसको मैंने कपड़े पे अच्छे से इसको ड्राई कर लिया था। अब हम इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कॉर्नफ्लावर हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं जिससे कि ये हमारी क्रिस्पी बास्केट रेडी होए। तो ये कर लिए। अब हम इसकी बास्केट बनाने के लिए हमें छलनी चाहिए होगी। हम इस टाइप की भी छलनी ले सकते हैं, ऐसी भी छलनी ले सकते हैं, और ये इस टाइप की जो हम चाय छानने वाली छलनी होती है वो हमें लेनी है। अभी हम उसमें क्या करेंगे, और जो हम छलनी लेंगे वो दोनों एक सी होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये वाली जो छलनी है ये दोनों एक सी हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये हम छनी लेंगे, इसमें हम ये इसको अच्छे से इसमें चारों तरफ इसको सेट कर देंगे। ये देखिए, ये सब हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया। तो ये बास्केट फॉर्म में ये लगने लगती है और हमें इसको अच्छे से इसको फिल करना है। हमें बिल्कुल जो नीचे की जो छलनी का जो छलनी दिख रही है ना वो दिखना नहीं चाहिए। देखिए ऐसे, ये ऐसे हम अपनी सभी बास्केट को रेडी करेंगे। फिर जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर हम ये ऐसे रखेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे फ्राई करने वाले हैं। अब मैंने छलनी को 2-3 सेकेंड के लिए ऑयल में ऐसे रखा हुआ है और ये देखिए, ऊपर वाली मैंने छलनी हटा ली और ये नीचे वाली बास्केट अभी अच्छे से कुक हो गई है। इसको मैं अभी 1-2 सेकेंड और इसमें रखती हूँ, फिर इसको हम नाइफ से इसको साइड से ये देखिए ऐसे निकलना शुरू हो गया। ये इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे हम अपनी सभी बास्केट को रेडी कर लेंगे। अभी हम बास्केट की स्टफिंग को रेडी करेंगे। तो ये मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाला है, इसमें हम ये ग्रीन चिली डालेंगे, साथ में ये हमने 1/2 कप अनियन लिया हुआ है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हमें स्टफिंग रेडी करनी है वो थोड़ी सी हमें चटपटी सी बनाएंगे, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली और अनियन ऐड कर दिए हैं। साथ में ये मैंने स्प्राउट्स लिए हुए हैं, ये मोट है, तो मैंने इसको 2 दिन पहले इसको पानी में भिगो के और फिर इसको मैंने मसलन कपड़े में बांध दिए, तो इसके ये ऐसे स्प्राउट्स रेडी हो गए। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स के स्प्राउट्स लिए हुए हैं, ये मोट ली हुई है और साथ में ये जो चने होते हैं काले चने, वो उसको भी मैंने वैसे 2 दिन पहले उसको पानी में पहले भिगोया, फिर कपड़े में इसको बांध के इसको रख दिया, तो इसके ये स्प्राउट्स रेडी हो गए। अभी हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा सॉटे नहीं करना, बस हल्का सा इसको सॉटे करना है। अभी साथ में हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। ये 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर है,
साथ में ये रेड चिली पाउडर है, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ये ब्लैक पेपर लिया हुआ है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अभी हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे जिससे कि जो हमने स्प्राउट जो लिए हुए हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो बस एक दो मिनट हमने इसको सॉटे किया, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको बस कवर करके हम रख देंगे। चलिए अब हम बास्केट को प्रिपेयर करते हैं। ये हमने जो स्प्राउट लिए थे इसमें हमने सभी चटपटे मसाले इसमें ऐड करे हुए हैं, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने स्प्राउट इसमें ऐड कर दिए, हम ये थोड़े से कुकुम्बर इसमें ऐड कर देंगे जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, और साथ में ये हम इसमें थोड़े से पीनट्स इसमें ऐड कर देते हैं। ट्राई कलर से बास्केट को सर्व करूंगी जो कि हमारे देश के झंडे का रंग है। ग्रीन के लिए मैंने ग्रीन चटनी यूज़ करी है, वाइट के लिए मैंने कर्ड यूज़ किया है और ऑरेंज के लिए मीठी चटनी यूज़ की है। ऐसे ही ट्राई कलर की बास्केट इंडिपेंडेंस डे पे बनाइए, अपनी फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, सबको बनाकर खिलाइए, उन सबको बहुत ही पसंद आएगी ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।